हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके पहले दोस्तों हम लोग साइंस का बेसिक जो है कर चुके हैं, तो इसकी अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिछली वाली वीडियो मिल जाएगी, उसको जा करके आप देख लीजिए। उसमें हमने बताया था विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएँ होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है कि ये स्पेशली जो वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के लिए, तो जो लोग आईटीआई वगैरह करते हैं या साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये वाला सेशन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसके पहले हम लोग फिजिकल यानी फिजिक्स की कुछ अवधारणाएं बता चुके थे, तो इसमें जो है कि दोस्तों आप देख सकते हैं मात्रक एवं मापन के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। उसके पहले दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो वो है आपका इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में क्या होता है, इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ उसमें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, इसका हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। और देखिए दोस्तों, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राशि क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए, क्वांटिटी क्या होती है, जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास जो है कि 10 रुपये की राशि है, और कहते हैं कि हमारे पास जो है 200 मीटर स्क्वायर का खेत है या कुछ भी है, तो जो दोस्तों ये हम लोग कहते हैं 10 रुपया या 200 मीटर स्क्वायर, तो देखिए राशि की बात की जाए तो राशि क्या होती है, एक वैल्यू होती है जिसे हम लोग संख्या से डिनोट करते हैं, जिसमें संख्या होता है वही हमारा क्या कहलाता है, राशि कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास 10 रुपया है, तो ये 10 रुपया क्या जो है हमारी है, ये राशि है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, जो नमेरिकल वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। क्या होती है, क्वांटिटी। तो राशि उसे कहेंगे जिसमें नंबर वैल्यू सम्मिलित हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगी। अब उसके आगे चलते हैं दोस्तों, भौतिक राशियां। तो बात करते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। यहां आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है उसके बारे में चलते हैं। देखिए, ऑल द क्वांटिटीज इज टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर मेजर्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके कहने का मतलब यही है, भौतिक के वो सारे नियम जिन्हें हम लोग राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, ऑल द क्वांटिटीज इज टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिकल आर मेजर्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि के यानी भौतिक के वो सारे नियम जिन्हें हम लोग राशि के रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, वर्क एंड प्रेशर। तो देखिए दोस्तों, लेंथ है, हम क्या कर रहे हैं, लेंथ क्या है, एक प्रकार का लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, उसमें राशि के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 2 किलोग्राम। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है कि हमारी फिजिकल है लेकिन ये हमारी क्या है, क्वांटिटी है। तो इसी को हम लोग यानी फिजिक्स के नियम को अगर हम लोग राशि में व्यक्त करें तो वही क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और देखिए, फिजिकल क्वांटिटी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो ये अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। तो ये जो है कि अदिश राशि आपको दिख रही है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली वैल्यू इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है, इसमें हम लोग डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो इसको देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देखते होंगे अदिश राशि जो है इसमें क्या रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड इसमें क्या रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड सम्मिलित रहेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण। जैसे
ये परिणाम क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो अगर मार्कर को हम लोग डिफाइन करें फिजिकल क्वांटिटी में, तो कहेंगे कि ये क्या 20 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 20 सेंटीमीटर का। अब देखिए इसमें तो ये बताने की जरूरत है नहीं कि ये पूरब की दिशा में 20 सेंटीमीटर है, ये कोई इसेंशियली नहीं है। तो ये जो हमारी है इसमें ओनली हम लोग क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे, यानी 20 सेंटीमीटर का, इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, अदिश राशि हो गई। इसी प्रकार दोस्तों हमारा क्या है, सदिश राशि। तो इसमें हम लोग बोथ दोनों लेते हैं, कौन कौन सी, आप परिमाण, परिमाण प्लस दिशा। देखिए सदिश राशि यानी इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इसमें सम्मिलित होती है। कैसे, जैसे देख लीजिए एक दरवाजा है, अगर दरवाजा को हमको खोलना है तो कहेंगे कि हम लोग उस पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का, तब दरवाजा खुलता है। लेकिन बात यहां फंस जाती है कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। जब खोलने की बात की जाए तो ये होगा कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए बल हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो बल यानी बल को डिफाइन करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, सदिश राशि होगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो सदिश में आती हैं। और इसमें जैसे अदिश राशि में आप ले लीजिए दूरी, तापमान। जैसे अभी बात की जाए कि इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस रूम का तापमान इस दिशा में 20 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है। यह क्या है, डायरेक्शन से संतुष्ट है, यानी डायरेक्शन इसमें जरूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अदिश राशि। और जिसमें सदिश राशिया, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों जरूरत होगी, जैसे में बल। तो अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि सदिश और अदिश राशियों के कुछ ट्रिक। जैसे बहुत सारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन मिलने के बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी राशि है, कि सदिश है कि अदिश है। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कैसे हम लोग पहचाने कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। तो इसका कुछ छोटा सा ट्रिक आपको देंगे, जो मुख्यतः जो चीजें पूछे जाती हैं वो इसमें कवर हो जाएगा। तो इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सा सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि है। चुटकी बजाते ही आप इस ट्रिक से सदिश और अदिश को आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो चलिए इस ट्रिक की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सदिश का ट्रिक पढ़ेंगे कि सदिश का ट्रिक क्या होता है। तो आपके सामने है सदिश का राशि का ट्रिक, उसका दाल MSC से आता है। तो देखिए इसमें आपको याद क्या करना है, उसका दाल MSC से आता है। बस आपको इतना याद करना है कि MSC एक देश है, तो उसका दाल जो है MSC देश से आता है, इतना आपको याद करना है। और इससे आपकी सदिश राशि की ट्रिक बन जाएगी, तो कोई भी एग्जाम आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकेंगे। तो अब देखिए इस ट्रिक को हम लोग बनाते हैं। तो पहली अक्षर लेंगे U से, आपका हो जाएगा ऊर्जा यानी एनर्जी। स से आपका हो जाएगा समय यानी टाइम। फिर का से आपका हो जाएगा कार्य। दा से आपका हो जाएगा दाब। एल से हो जाएगी आपकी लंबाई। एम से हो जाएगा आपका मास। एस से हो जाएगा आपका स्पीड। सी से हो जाएगा आपका करंट, और से को हम लोग साइलेंट करते हैं। आ से आपका हो जाएगा आयतन, और ता से दोस्तों हो जाएगा आपका तापमान, और है जो है कि इसमें हम लोग साइलेंट रखेंगे। तो इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सदिश राशियों में आप कभी नहीं फंसेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अदिश राशियों का ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं हम लोग अदिश राशि का ट्रिक, कि अदिश राशि का ट्रिक क्या होने वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अब बेबी त्वं भस्म। तो ये हम लोग संस्कृत भाषा से समझ लेंगे कि अब बेबी त्वं भस्म है, तो ये हमारा क्या है, अदिश राशि का ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। अ से हमारा हो जाएगा आवेग। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग ब को लेंगे, तो ब को नीचे लिख लेते हैं। ब से हो जाएगा आपका बल। अब वे से लेंगे दोस्तों, वे हो जाएगा आपका वेग। और इसी प्रकार फिर वी लेंगे, वी से आपका हो जाएगा विस्थापन।
वी से आपका हो जाएगा विस्थापन, और त्वय से आप समझते हैं क्या होता है त्वरण, तो त्वय वाला लेंगे अब त्वय जो हो जाएगा हमारा त्वरण, और भार से हम लोग लेंगे भार, और क्षण से हो जाएगा संवेग। तो ये रहा दोस्तों हमारा अदिश राशि का शॉर्ट ट्रिक। तो मैं दावा करता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम का बुक उठा करके देखेंगे तो उसमें अगर सदिश और अदिश पूछता है तो अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो दावा के साथ करें आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका सदिश अदिश और जो है कि यूनिट एंड मेजरमेंट का। अगला वाले चैप्टर में इसका जो है कि ऑल टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।